बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से कलश लेकर पैदल बागेश्वर धाम के लिए निकल चुकी हैं। माना जा रहा है कि शिवरंजनी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हनिया बनने का सपना संजोए हुए है। शिवरंजनी का कहना है कि इन सब का खुलासा 16 जून को उनके बागेश्वर धाम पहुंचने पर होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद करने वालों की बड़ी संख्या है। ऐसे में बागेश्वर वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की चर्चा भी खूब होती है। अब खबर है शिवरंजनी तिवारी नाम की लड़की ने बाबा बागेश्वर से शादी का मन बनाया है। शिवरंजनी तिवारी बाबा से शादी करने के लिए गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम के लिए पैदल ही निकल पड़ी है। वो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों उत्तराखंड में है। बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की ख्वाहिश रखने वाली शिवरंजनी तिवारी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। वो MBBS की छात्रा हैं। इसके साथ ही वो एक यूट्यूबर और भजन सिंगर भी हैं। वो मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली हैं। ये बाबा के लिए सिर पर गंगा जल लेकर गंगोत्री से पैदल ही चल पड़ी हैं। शिवरंजनी के साथ उनके पिता और भाई भी पैदल चल रहे हैं। शिवरंजनी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाबा बागेश्वर उनसे जरूर मिलेंगे। शिवरंजनी तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के सवाल पर गोलमाल जवाब देती हैं। शिवरंजनी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उन्हें इसी नाम से पुकारती हूँ, जब मैं पहली बार उनसे जुड़ी थी। मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री नाम से। जब से मैंने सामने कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। नहीं, ये बताएं, आपके मन में ऐसा कोई भाव है क्या? मैं ये क्यों बताऊं, जो मेरे मन में है वो तो महाराष्ट्र खुद बताएंगे ना। मैं अगर बता दूंगी तो फिर वो नहीं नहीं कुछ बातें राजी अच्छी। महाराज जी तो सबके मन की का भाव जानते हैं, लेकिन स्वयं के मन का भाव तो स्वयं ही जाना जा सकता है। हाँ, तो उसको जानती उसको आप प्रकट कर देना। नहीं, मैं प्रकट करना नहीं चाहती, ये बात राज रहे उतना ही अच्छा है। जब तक 16 जून को गुरुदेव जी के साथ में हम लोग लाइव मिल जाते हैं महाराष्ट्र के साथ में। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।